मित्रों गुड मॉर्निंग। ये कैसा देश है मेरा, मेरिट को की इंसल्ट करके, मोदी को कमजोर करके इस देश को क्या मिला, जिस देश के 40% लोग ही अच्छे लोगों की पहचान कर पाते हों और 60% कंफ्यूज कर दिए जाते हैं, उनका परसेप्शन इस तरह से बनाया जाता है कि लायक नालायक है और नालायक ही आपकी सेवा कर सकता है। देश में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करके या मुसलमानों को या अनएम्प्लॉयड यूथ को भड़काकर इस देश को इस समाज को क्या मिले, हम क्यों भूल जाते हैं कि ये देश सोने की चिड़िया थी, मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में 200 साल तक हुकूमत की और हिंदू मुस्लिम डिवाइड का फायदा लेते रहे। तो सर लुटीन मीडिया जो अपने को इतना ज्ञानी कहता है और पब्लिक का परसेप्शन बदलने के लिए ये पत्रकार और इंटेलेक्चुअल्स को समझ में नहीं आ रहा है कि देश हित में क्या ठीक है, देश विरोधी ताकतों को सपोर्ट करके इस दुनिया को इस देश को इस समाज को क्या मिल सकता है। मोदी जी की 10 साल की 100 से अधिक उपलब्धियां दिखाई नहीं देती, आगे के 20 सालों का सपना कमजोर करके, अनंतोगत्ता चूर चूर करके इस देश के इंटेलेक्चुअल्स हिंदू समाज को क्या मिलेगा। मुसलमानों को तो मिल सकता है क्योंकि अब तो इंग्लैंड में तराई तराई हो रही है और प्रैक्टिकली बहुत सारे राष्ट्रों पर हुकूमत मुगलिया हुकूमत परोक्ष रूप से कायम है। इस परिप्रेक्ष्य में ये अध्ययन करने की आवश्यकता है कि मेरिट या योग्यता इस देश को या इस यूनिवर्स को या दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए सभी का भला करने के लिए किस लीडरशिप की आवश्यकता है और वो लीडरशिप कैसे आगे आए, इस पर बढ़ चढ़ कर हमारे समाज के जो कंफर्ट जोन में बैठे हुए इंटेलेक्चुअल्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका रोज एक विचार एक मैसेज सभी के संज्ञान हेतु आनी चाहिए।
तभी समाज का परफेक्ट परसेप्शन सही डायरेक्शन में क्या होना चाहिए बदल सकेगा। और ऐसा हम नहीं कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।